हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे बैग और मेस में क्या डिफरेंट है। ये हमारा बैग हो गया, बैग और मेस 18 नंबर, इसमें देखते हैं क्या डिफरेंट। तो हम पहले एक डिज़ाइन बना लेता हूँ, पहले यहाँ पे 10 नंबर कर लेता हूँ। यहाँ से फिल टूल लिया और यहाँ से 10 नंबर लिया, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी रो में फिल हो जाएगा 10 नंबर कलर। उसके बाद यहाँ पे एक डिज़ाइन बना लेता हूँ टू कलर का, अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे पूरा। उसके बाद राइट क्लिक कॉपी टू इंटारसिया व्यू, इसको हम इंटारसिया व्यू में ले जाएंगे, इंटारसिया व्यू में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे 16 नंबर पे, 16 नंबर में टू कलर बैग, बैग ले लिया और स्कीम लगा दिया यहाँ पे एक नंबर। उसके बाद इसको हम जहाँ तक हमारा डिज़ाइन बना हुआ वहाँ तक इसको सारी लाइनों में ऊपर तक कर देंगे जहाँ तक हमारा डिज़ाइन बना हुआ। और इसके बीच में मैश भी लगा लेता हूँ ताकि आधे पोर्शन में हमारा बैग बने, आधे में मैश बने, फिर डिफरेंट पता लगेगा क्या डिफरेंट है। तो मैश लगाने के लिए हम आएंगे टू कलर 18 नंबर, यहाँ से ले लेंगे 18 नंबर और इसके ऊपर फिल कर देंगे। अब उसके बाद नेट व्यू में आएंगे, नेट व्यू में यहाँ पे नेट रखते हैं तो नेट रखने के लिए यहाँ पे हम कलर इसका एक नंबर रखेंगे। बाकी इंटारसिया व्यू में हमारा जो डिजाइन होगा इंटारसिया व्यू में रहेगा, बाकी निट खाली फ्रंट व्यू में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं यान पेज, पेज लगाते हैं ऑटो वन करता हूँ तो हमारा जो इंटारसिया व्यू में एक नंबर दो नंबर कलर है वो हमारे यहाँ से फीडर आ गए हैं। फीडर हमारे पेज में वही आएंगे जो हमारे इंटारसिया व्यू में कलर होगा। उसके बाद यहाँ पे फीडर लगा हुआ है बॉर्डर का, कटाई का, और हम कटाई का फीडर 8 नंबर यहाँ पे रख लेते हैं और बॉर्डर का फीडर 2 नंबर। उसके बाद इसको ओके करें, प्रोसेस करेंगे तो पहले सेव मांगेगा तो हम इसको सेव पहले कर लेते हैं। ये हमने सेव कर लिया। उसके बाद अब फिर से प्रोसेस करता हूँ, उसके बाद इसका फैब्रिक व्यू देखता हूँ। ये हमारा नीचे था बैक, ऊपर था मैश, तो फ्रंट व्यू में हमारा सेम बनेगा। बाकी बैक व्यू में देखता हूँ, ये हमारा बैक व्यू है तो बैक में भी हमारा सेम बना, फ्रंट और बैक टू कलर में सेम बनेगा। और इसी चीज को हम थ्री कलर में देखेंगे तो थ्री कलर के लिए हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ पे हमने डाल दिया 3 नंबर, अब इसको हम
अब यहाँ पे तीन कलर का हमारा डिजाइन होगा। बाकी हमारी 16 नंबर में स्कीम, यहाँ पे 16 नंबर में आऊंगा, 16 नंबर में यहाँ थ्री कलर स्कीम लगाऊंगा। तो थ्री कलर के लिए थ्री कलर पे जाऊंगा, उसके बाद बैक करूंगा। तो हमारा 21 नंबर की जगह पे 31 नंबर हमारा थ्री कलर होता है, तो यहाँ पे हम 31 नंबर फिल कर देता हूँ सारी लाइनों में। 31 नंबर फिल हो गया। उसके बाद पेज लगाऊंगा, इसको ऑटो वन करूंगा, तो हमारा एक्स्ट्रा जो कलर 3 नंबर दिया था वो हमारा आ गया। उसके बाद ओके करेंगे। अब इसको फिर से प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद इसका फैब्रिक व्यू देखेंगे। ये हमारा फ्रंट का फैब्रिक व्यू आ गया। फ्रंट में सेम बनेगा, बैक में देखता हूँ इसका बैक का फैब्रिक कैसा दिखेगा। ये हमारा था बैक जैकार्ड और ये हमारा था मैश। तो हमारा जहां पे बैग लगा था वहां पे हमारा लाइन लाइन सी सीधी आएगी, और जहां पे हमारा मैश लगा था 18 नंबर, वहां पे डॉट डॉट सा आएगा बैक व्यू में। बाकी फ्रंट व्यू में सेम बनेगा थ्री कलर में। बाकी टू कलर में फ्रंट और बैक दोनों सेम बनेगा, चाहे आप बैक लगाओ 6 नंबर स्कीम या 18 नंबर मैश। वही चीज थ्री कलर में ये हमारा बैक साइड फैब्रिक चेंज हो जाता है। ओके दोस्तों, इस क्लास में आपको टू कलर और थ्री कलर, मैश और बैक में डिफरेंट पता लग गया कि मैश में और बैग में क्या डिफरेंट है थ्री कलर में और टू कलर में बनता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।